वेल तो है गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकज। तो वेल इस वीडियो में बात करने वाले कि अलेक्सा ब्लिस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से अपने रिलीज की रिक्वेस्ट की है, तो इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। तो वेल इस थिंग के ऊपर बात करेंगे। एंड ऑल्सो ब्रॉक लेसनर को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज मिला है, एंड वो भी मैच लड़ने का। तो वेल ये कौन सा सुपर स्टार है, तो वेल इस थिंग के ऊपर ही बात करेंगे। एंड ऑल्सो हम लोग बात करने वाले कि ब्रे वाइट का हमें फ्यूचर क्या देखने को मिलेगा रेस्लिंग के अंदर। सो इसको लेकर भी हमें काफी क्लियर अपडेट देखने को मिल चुकी है, तो इस थिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो और भी खासी अपडेट्स होने वाली है, तो भाई वीडियो को जरा भी मिस मत करना। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, यहां पर तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके तो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट की बात कर ले, तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। सो ये अपडेट हमें बुच की तरफ से देखने को मिल रहा है, यानी कि पीट डन की तरफ से। सो रिसेंट के इंटरव्यू में हमें यहां पे बुच यानी कि पीट डन कहते हुए दिखाई देते हैं कि सो पीट डन यानी कि बुच जो कि मेन रोस्टर में आ चुके हैं, तो अब उनको एक एजे स्टाइल्स के साथ में मैच चाहिए। एंड वो एजे स्टाइल्स के साथ में जो कि काफी दिनों से काफी सालों से मैच लड़ना चाहते थे, सो नाउ उनको ये मैच अगर देखने को मिल गया, अगर वो इनको मैच की अपॉर्चुनिटी मिली तो ऑफकोर्स इनके लिए काफी बड़ा होगा। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जो बुच है यानी कि पीट डन है वो एक एजे स्टाइल के साथ में मैच चाहते हैं, जो कि ऑफकोर्स यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ऐसा कुछ देखने को मिला। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, सो ये है रसलमेनिया 38 के स्टेज को लेकर। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो हमें रसलमेनिया 38 का रिसेंट का फोटो देखने को मिला है, जहां पे हमें रसलमेनिया 38 देखने को मिलेगा, यानी कि AT&T स्टेडियम का, जैसा कि तुम यहां पे फोटो देख सकते हो। तो फिलहाल अभी कोई कंस्ट्रक्शन हमें यहां पे नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी कि आने वाले समय में अभी तो हमें कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिल रहा। वैसे ये AT&T स्टेडियम का जो कि हमें कल का फोटो देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहां पे हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिला है, तो होप है कि हमें जल्द ही कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाए। एंड रसलमेनिया है तो हो सकता है कि हमें यहां पे WWE जो कि स्टेज को काफी ज्यादा सीक्रेट रखते हुए दिखाई दे सकती है, एंड जाके फिर हमें बाद में डूड परफेक्ट जो कि रिवील करते हुए दिखाई दे जाए। लेट्स सी वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। वैसे WWE जितना भी सीक्रेट रखे फिर भी हमें फोटोज जो कि लीक होते हुए दिखाई दे जाते हैं, सो लेट्स सी वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलेगा जो कि ओवरऑल इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो वेल ये हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये है जो कि वार्डलो की तरफ से। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो ब्रॉक लेसनर है, तो ब्रॉक लेसनर को यहां पे वार्डलो जो कि रिसेंट के NBC पॉडकास्ट में यानी कि NBC की तरफ से उनका इंटरव्यू देखने को मिल रहा था, तो वेल वहां पे हमें काफी इंटरेस्टिंग बात कहते हुए दिखाई देते हैं। एंड जहां पर इनका ये कहना था कि जो ब्रॉक लेसनर है वो चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर AEW के अंदर आए, एंड AEW के अंदर आके वो वार्डलो को फेस करें। वैसे जैसा कि वार्डलो यहां पे हमें कहते हुए दिखाई दे रहे कि ब्रॉक लेसनर AEW के अंदर आए, एंड AEW के अंदर आने के बाद उनको फेस करें, तो भाई ब्रॉक लेसनर इतने फुर्सत में तो है नहीं कि हमें ऐसे ही देखने को मिल जाए किसी भी कंपनी के अंदर एंड इसके बाद वो लड़ने चले आए तुमसे, तो ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं। ऑफकोर्स ये इनकी फैंटेसी हमें यहां पे देखने को मिल रही है, सो होप करते हैं कि इनकी ये फैंटेसी हमें कभी न कभी इनके सपने में जो कि पूरे होते हुए दिखाई देगी, तो ओवरऑल वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि सपना आएगा तो हम सभी लोगों को बताएंगे। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर AEW में भाई कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि वो जाते हुए दिखाई दे भी सकते हैं, एंड ब्रॉक लेसनर का ऐसा कोई प्लान भी नहीं होने वाला, वो WWE के साथ रहने वाले हैं। एंड ऑल्सो भाई ब्रॉक लेसनर स्विच करे कंपनी को ऐसा कभी देखने को मिलेगा भी नहीं, एंड ब्रॉक लेसनर यहीं पे रिटायर होंगे WWE के अंदर, तो AEW के कोई भी चांसेस नहीं है। तो ऐसे कोई ख्वाब जो कि खाली फ्लॉ होता है ना, तो उसको फुलाना बंद कर दो। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये है ब्रे वाइट से रिलेटेड। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो ब्रे वाइट है उनको लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट हमें यहां पे देखने को मिल चुकी है। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि यहां पे हमें बिल्ली भाटी की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिलता है कि रिसेंट का हमें जो पॉडकास्ट देखने को मिला था, जहां पर हमें जो कि बिल्ली भाटी एंड विंस रूसो भी देखने को मिले थे, तो ये दोनों यहां पे जो कि पॉडकास्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे ब्रे वाइट से। तो वेल यहां पे ब्रे वाइट से इनका पूछना था कि क्या ब्रे वाइट हमें रेसलिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, तो यहां पे ब्रे वाइट जो कि क्लियरली कहते हुए दिखाई देते हैं, एंड उनका ये कहना था कि वो रेसलिंग के अंदर तो नहीं जाने वाले, लेकिन वो अपने आप को एक्टिंग में ट्राई करेंगे, एंड ऑल्सो वो हमें एक्टिंग के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कुछ हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि तुम यहां पे ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। तो ऑफ कोर्स यहां पे हमें जो ब्रे वाइट है ये क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे कि जो कि आने वाले समय में और आने वाले कुछ सालों में तो हमें जो कि ब्रे वाइट कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ हमें यहां पे देखने को मिलता है जो कि ब्रे वाइट की तरफ से, एंड वो हमें एक्टिंग के अंदर देखने को मिलेंगे एंड हॉलीवुड के अंदर देखने को मिलेंगे। सो ऑफ कोर्स ये भी काफी अच्छी खासी बात हमें यहां पे देखने को मिल रही है। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये अपडेट है अलेक्सा ब्लिस की तरफ से। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि हमें यहां पे रिपोर्ट देखने को मिलता है रेसलिंग इन्फॉर्मर पॉडकास्ट की तरफ से, तो जहां पे हमें जो कि बिल्ली भाटी कहते हुए दिखाई देती है कि उनका ये कहना था कि जो अलेक्सा ब्लिस है उनका WWE के साथ में हमें प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, एंड ऑल्सो
उन्होंने जो कि रिलीज की रिक्वेस्ट भी किया है, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे कहते हुए दिखाई दे रही है जो कि बिल्ली भाटी, यानी कि देयर इज अ प्रॉब्लम देयर सी इज आस्क फॉर हर रिलीज बिफोर, तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसा कि तुम ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो यानी कि जो अलेक्सा ब्लिस है वो WWE को छोड़ना चाहती है एंड ऑल्सो उनका जो कि ब्रेक लेने का मन है, तो ऐसा कुछ थिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेल वैसे इस रिलीज का जो रिक्वेस्ट देखने को मिला है मुझे नहीं लगता कि ये एक्सेप्ट भी होगा, एंड ऑल्सो जो अलेक्सा ब्लिस है उनको हो सकता है कि विंस मैकमैन जो कि ब्रेक देते हुए दिखाई दे सकते हैं, एंड ऑल्सो हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि जो अलेक्सा ब्लिस हैं वो हमें कुछ महीनों तक और भी ब्रेक लेते हुए दिखाई दे जाए, एंड उसके बाद तब जाके हमें जो कि उनका रिटर्न देखने को मिले WWE के अंदर। लेट्स सी वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना था कि रिलीज रिक्वेस्ट इनकी तरफ से देखने को मिला था। वैसे लेट्स सी हमें क्या और भी बड़ी अपडेट्स देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अभी इनकी तरफ से रेसलिंग इन्फॉर्मर की तरफ से ये अपडेट देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और भी बड़े बड़े वेबसाइट्स जो हैं उनकी तरफ से भी रिपोर्ट देखने को मिलेगा, तो तब जाके कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। वैसे लेट्स सी हमें क्या थिंग देखने को मिलेगा एंड ये अपडेट कितने हद तक ट्रू होता है, तो वेल ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके सो वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सारी थिंग्स के ऊपर वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वेल वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वेल वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर सकते हो। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके सो फिर मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है, मेहनत की हार है, खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है, अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।